दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए प्रेमचंद की लिखी कहानी जनवरी नाइट का हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। हल्कुआ अंदर आया और अपनी पत्नी से बोला, जमींदार आए हैं, रुपयों को निकालो जो तुमने अलग रखे हैं, मैं उन्हें पैसे दे दूंगा और किसी भी तरह हम उसके बिना काम चला लेंगे। मुन्नी पोंछा लगा रही थी। वह मुड़ी और बोली, लेकिन सिर्फ 3 रुपए हैं। यदि वो पैसे तुम उन्हें दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? तुम जनवरी की इन रातों को खेत में कैसे काटोगे? उन्हें कह दो हम कटाई के बाद पैसे दे देंगे, अभी नहीं। एक पल के लिए हल्कू हिचकिचाते हुए खड़ा रहा। जनवरी उनके काफी करीब आ चुका था। बिना कंबल के संभवतः वह रात में खेत में नहीं सो सकता था, लेकिन जमींदार को नहीं टाला जा सकता था। वह धमकी देगा और उसका अपमान करेगा, इसलिए क्या फर्क पड़ता है यदि ठंडे मौसम में वे मर ही जाते, जब तक कि वे उनकी आफत को अभी झेल सकते। जैसे ही उसने यह सोचा, उसने अपने भारी शरीर को, वह अपने नाम को झूठा बताता था, हिलाया और अपनी पत्नी के नजदीक आया। उसको मनाने की कोशिश करते हुए वह बोला, चलो उसे मुझे दे दो, मैं कोई दूसरी योजना बनाऊंगा। मुन्नी उससे अलग हट गई। गुस्से से भरी आंखों से वह बोली, तुमने पहले से ही कोई दूसरी योजना बनाने की कोशिश की है, तुम ही बताओ कौन सी दूसरी योजना बनाई जा सकती है? क्या कोई तुम्हें एक कंबल देने जा रहा है? भगवान को मालूम है कितना कर्ज हम पर हमेशा चढ़ा रहता है, जिसे हम नहीं चुका सकते। जो मैं कहती हूं वो यह है कि किराए की खेती छोड़ दो, काम तुम्हारी जान ले रहा है। जो भी कटाई तुम करते हो वह बकाया देने में चला जाता है, इसलिए उसे खत्म ही क्यों नहीं कर दें? क्या हमने सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए ही जन्म लिया था? अपने ही पेट के लिए कुछ पैसे कमाओ, उस तरह की खेती छोड़ दो। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, नहीं। दुखी होकर हल्कू बोला, तब मुझे उसकी गाली सुननी पड़ेगी। गुस्से से फटले हुए मुन्नी बोली, उसे तुम्हें क्यों गाली देना चाहिए? क्या यह उसका राज्य है? लेकिन जैसे वह वैसे बोली, उसकी तनी हुई भौहें नरम पड़ गई। हल्कू के शब्दों में कड़वी सच्चाई उस पर एक जंगली जानवर की तरह दौड़ती हुई आई। वह दीवार में बनी सुराख के पास आई, रुपयों को निकाला और उन्हें हल्कू को दे दिया। तब वह बोली, इस बार खेती करना बंद कर दो। यदि तुम बंधुआ मजदूर की तरह काम करोगे तो तुम उससे कम सिर्फ पर्याप्त खाना खाने के लिए ही मिल जाएगा। कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा होगा। अच्छा काम है किसी दूसरे की जमीन की खेती करना। जो भी तुम कमाते हो उसे वापस उसमें फेंक देते हो और बदले में अपमानित होते हो। हल्कू ने पैसा ले लिया और बाहर देखते हुए गया, जैसे वह अपने दिल को चीर रहा हो और उसे निकाल कर दे रहा हो। उसने पैसे जोड़ जोड़ कर अपने काम से रुपए बचाए थे अपने कंबल के लिए। आज वह उन्हें फेंकने जा रहा था। हर कदम के साथ उसका सिर झुकता जा रहा था अपनी गरीबी के बोझ तले। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 यहाँ समाप्त होता है। अब मैं पार्ट 2 प्रारंभ करता हूं। जनवरी की एक अंधेरी रात, आकाश में तारे भी कांपते हुए दिख रहे थे। उसके खेत के किनारे गन्ने के पत्तों की छांव तले हल्कू बांस की एक खाट पर
अपनी पुरानी बोरी से अपने शरीर को लपेटे और ठिठुरते हुए लेटा हुआ था। खाट के नीचे उसका दोस्त जबरा कुत्ता अपनी पेट में अपनी मुंह दबाए धीमी आवाज निकाल रहा था। दोनों में से कोई भी नहीं सो पा रहा था। हल्कू ने अपने घुटनों को अपनी ठुड्डी के नजदीक टिकाया और बोला, ठंड है जबरा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा घर में तुम धान की पुआल में सोते, तो तुम यहां बाहर क्यों आए? अब तुम्हें ठंड बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तुमने सोचा कि मैं यहां पूरी मिठाई खा रहा हूं और तुम मेरे आगे दौड़ते हुए आए, अब तुम केवल कराह ही सकते हो। जबरा ने बिना उठे अपना दुम हिलाया। अपनी रूम रूम करने की आवाज को उसने बढ़ाकर एक लंबी जम्हाई में बदल दिया और चुप हो गया। शायद कुत्ते की बुद्धिमानी थी कि जबरा ने अनुमान लगाया कि उसकी रूम रूम करने की आवाज उसके मालिक को जगाकर रख रही थी। हल्कू ने अपना हाथ बढ़ाया और जबरा की ठंडी पीठ को थपथपाया। कल से मेरे साथ आना बंद करो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। कोई नहीं जानता यह कमीनी पश्चिमी हवा कहां से अपने साथ बर्फीली ठंड लेकर आती है। मुझे उठने दो और अपना चिलम भरने दो। मैं भरी हुई 8 चिलम पहले ही पी चुका हूं, लेकिन हम रात किसी भी तरह काट लेंगे। यही पुरस्कार खेती करने के लिए तुम्हें मिलता है। कुछ भाग्यशाली लोग घरों में लेटे रहते हैं, जहां यदि उनके पीछे ठंड आती भी है तो गर्मी उसे तुरंत भगा देती है। एक अच्छी मोटी रजाई, गरम चादरें, एक कंबल, बस जाड़े की ठंड को उन्हें लेने का प्रयास करने दो। भाग्य ने हर चीज का बहुत अच्छी तरह इंतजाम किया है। जब हम कड़ी मेहनत करते हैं, किसी और को उससे आनंद मिलता है। वह उठा, कुछ अंगारों को गड्ढे में डाला और अपनी चिलम को भर दिया। जबरा भी उठ गया। धूम्रपान, हल्कू ने कहा, यदि तुम धूम्रपान करते हो तो ठंड उतनी ही बुरी होती है, लेकिन कम से कम तुम थोड़ा अच्छा महसूस करते हो। जबरा ने उसे अपनी स्नेह से छलकती आंखों से देखा। तुम्हें सिर्फ एक और अधिक ठंडी रात गुजारना है। कल मैं थोड़ी पुआल ला दूंगा, जब तुम उसमें अंदर जाओगे तब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। जबरा ने अपने पंजों को हल्कू के घुटनों पर रख दिया और अपनी नाक को नजदीक लाया। हल्कू ने उसकी गर्म सांसों को महसूस किया। धूम्रपान समाप्त करने के बाद हल्कू लेट गया और अपना मन बना लिया कि अब चाहे जो भी हो, अब वह सो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक ही मिनट में उसका दिल धक धक करने लगा। वह करवटें बदलने लगा, लेकिन किसी जादूगरनी की तरह ठंडा मौसम उसे सताता रहा। जब वह उसे किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर सका तो उसने जबरा को धीरे से उठा लिया और उसके सिर को थपथपाते हुए अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते का शरीर कोई किसी तरह की दुर्गंध दे रहा था, लेकिन हल्कू को उससे कसकर लिपटकर एक ऐसी खुशी का अनुभव हुआ जो उसे महीनों से नहीं हुआ था। जबरा ने शायद सोचा कि वह स्वर्ग में था और हल्कू के मासूम हृदय में उसकी गंध से कोई नाराजगी नहीं थी। उसने उसे अपने गले से उसी स्नेह से लगाया जो स्नेह उसे किसी भाई या किसी मित्र को गले लगाने से महसूस हुआ होता। वह उस गरीबी से नहीं टूटा था जिसने उसे वर्तमान में कमजोर बनाकर इन कठिनाइयों तक ला खड़ा किया था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे इस एक मित्रता ने उसके दिल के सारे दरवाजों को खोल दिया था और उसके हर परमाणु को जगमगा रहा था। अचानक जबरा को किसी जानवर का शोर सुनाई दिया। इस विशेष लगाव ने
उसके अंदर एक नई सावधानी उत्पन्न कर दी थी, जो हवा के आक्रमण को अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। उछल कर वह शरण स्थल से भागा और भौंकने लगा। हल्कू ने सीटी बजाकर उसे कितनी बार बुलाया, लेकिन जबरा उसके पास लौटकर नहीं आया। खेत की हल रेखा से होकर वह चारों तरफ दौड़ते हुए भौंकता रहा। एक पल के लिए वह आता, फिर तुरंत भाग जाता। कर्तव्य बोध ने उसे पकड़ रखा था, जैसे कि वह इच्छा थी। तो यहाँ पार्ट टू समाप्त होता है दोस्तों, और अब मैं आता हूँ पार्ट थ्री पे। दूसरा घंटा बीत गया। रात ने हवा के साथ मिलकर ठंड को बढ़ा दिया था। हल्कू दोनों घुटनों को अपनी छाती से कसकर चिपकाए बैठ गया और अपने सिर को उनके बीच छुपा लिया, लेकिन ठंड उतनी ही जोरों की थी। ऐसा लगा कि उसका सारा खून जम गया था, जैसे उसकी नसों में खून की जगह बर्फ भरी हुई थी। वह आकाश को देखने के लिए पीछे झुका। कितनी और रात अभी भी बची थी। तारों का समूह आकाश में अभी आधा भी ऊपर नहीं पहुंचा था। जब तक वह ऊपर होता संभवतः तब तक सुबह हो जाती। रात के अभी 3 घंटे भी नहीं बीते थे। हल्कू के खेत के कुछ ही दूर आम का एक बगीचा था। पत्ते गिरने लग गए थे और बगीचे में उनके गट्ठर लगा दिए गए थे। हल्कू ने सोचा, यदि मैं जाऊं और पत्तों का एक गट्ठर ले आऊं तो उससे मैं आग जला सकता हूं और गर्म हो सकता हूं। यदि किसी ने मुझे पत्तों को गहरी रात में बटोरते हुए देखा तो वे सोचेंगे कि कोई भूत है। बेशक संभव है कुछ जानवर मेरे खेत में छिपे इंतजार कर रहे हों, लेकिन मैं यहाँ अब और बैठा नहीं रह सकता। उसने नज़दीक के खेत से कुछ डंठल तोड़ा और उनसे झाड़ू बनाया और गोबर के एक चमकते टुकड़े को उठाकर बगीचे की तरफ गया। जबरा उसे आते हुए देखता रहा और अपनी दुम हिलाता हुआ उसकी तरफ दौड़ पड़ा। हल्कू ने कहा, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता जबरा, साथ आओ, चलो बगीचे में चलते हैं और गर्म होने के लिए पत्तों को इकट्ठा करते हैं। जब हम गर्म हो जाएंगे तब हम लौट आएंगे और सो जाएंगे। रात अभी भी समाप्त होने से दूर है। जबरा सहमत हो भौंका और बगीचे की तरफ धीरे धीरे दौड़ने लगा। पेड़ों के नीचे बिल्कुल अंधेरा था और अंधेरे में तीखी हवा बह रही थी। पत्तों को बार बार जोरों से मारते हुए और ओस की बूंदें टहनियों से टपक रही थी। अचानक हवा का एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू को उस तक ले आया। यह मेहंदी की खुशबू कहाँ से आ रही है जबरा? या तुम्हारी नाक कुछ ऐसी ही तरह की खुशबू नहीं दे सकती? जबरा को एक हड्डी कहीं मिल गई थी और वह उसे चबा रहा था। हल्कू ने नीचे जमीन पर अपनी आग जलाई और पत्ते इकट्ठा करने लग गया। उसके हाथ ठंड से जमे हुए थे। उसके पैर नंगे थे और सुन्न पर गए थे, लेकिन उसने पत्तों का पहाड़ इकट्ठा कर लिया था और उनसे आग जलाकर वह ठंड को दूर कर देगा। थोड़ी ही देर में बहुत सुंदर आग जल रही थी। लपटें ऊपर उछलकर लटकी टहनियों को चूम रही थी। झिलमिलाती रोशनी में बगीचे के विशाल पेड़ ऐसे दिख रहे थे जैसे उन्होंने गहरे अंधेरे को अपने सिरों पर लादा हुआ हो। अंधेरे के इस सुखद सागर में आग की रोशनी एक नौका की तरह गिरती उछलती दिख रही थी। हल्कू आग के सामने बैठ गया और उसे उसको गर्मी देने दिया। कुछ देर बाद उसने अपनी शाल उतार दी और उसे अपने पीछे रख लिया। तब उसने दोनों पैरों को फैला लिया, जैसे वह ठंड को चुनौती दे रहा हो कि वह अपना जितना बुरा हो कर ले।
सर्दी की बहुत बड़ी शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करने से वह जीत के अपने गर्व को नहीं दबा सका। वह जबरा से बोला, चलो जबरा, अब तुम ठंडे नहीं हो क्यों? जबरा भौंका, जैसे वह कह रहा हो, अब मैं कैसे ठंड महसूस कर सकता हूँ? हमें इस योजना के विषय में पहले सोचना चाहिए था, तब हमें इतनी ठंड नहीं लग रही होती। जबरा दुम हिलाने लगा। ठीक है, अब तुम क्या कहते हो कि हम आग के ऊपर कूद जाएं? देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं। लेकिन यदि तुम झुलस जाते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई दवा नहीं है। जबरा ने आग को डर कर देखा। हमें कल मुन्नी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो लड़ाई होगी। उसके साथ वह ऊपर कूद गया और एक छलांग में ही आग को हटा दिया। उसने अपने पैरों को झुलस लिया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। जबरा आग के चारों तरफ दौड़ते हुए उसके पास आया। हल्कू बोला, करते रहो, इतना ही नहीं, आग के ऊपर होते हुए कूद जाओ। उसने फिर छलांग लगाई और दूसरी तरफ लौटकर आ गया। तो दोस्तों, यहाँ पार्ट 3 समाप्त होता है और अब मैं पार्ट 4 के साथ आ रहा हूँ, तो मैं प्रारंभ करता हूँ। सारे पत्ते जल चुके थे, अंधेरे ने फिर बगीचे को ढक लिया। राख के नीचे कुछ अंगारे सुलग रहे थे और जब हवा का कोई झोंका उनके ऊपर आता तो कुछ समय के लिए वे दहक उठते और फिर झिलमिलाते हुए बुझ जाते। हल्कू ने अपने को शॉल में फिर लपेट लिया और गर्म राख के बगल में एक धुन गुनगुनाते हुए बैठ गया। आग ने उसमें गर्मी ला दी थी, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई उसे नींद आने लगी। जबरा जोरों से भौंका और खेत की तरफ दौड़ा। हल्कू को आभास हुआ कि उसका मतलब था कि संभवतः जंगली जानवर खेत में घुस आए थे, वे नील गाय होंगे। उसे उनके वहां चलने फिरने का शोर साफ सुनाई दिया। तब उसे लगा कि वे चर रहे होंगे। उसे उनके कुतरने की आवाज सुनाई देने लग गई। उसने सोचा, नहीं, जबरा के वहां होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं घुस सकता, वह उसे फाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मुझसे गलती हो गई होगी, अब तो कोई भी आवाज नहीं है। कैसे मुझसे गलती हो गई होगी? वह चिल्लाया, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा और उसके पास नहीं आया। तब फिर खेत में चपर चपर खाने और दांत से तोड़ने की आवाज़ आई। इस बार उससे गलती नहीं हो सकती थी। इसके बारे में सोचकर ही सचमुच तकलीफ होती थी कि जहां वह था वहां से उसे उठना पड़ेगा। वहां कितना आराम था कि इस ठंड में खेत में जाना और जानवरों को भगाना असहनीय लगा। अपनी पूरी ताकत लगा वह जोरों से चिल्लाया, हिल्लो हिल्लो हिल्लो। जबरा फिर भौंकने लगा। जानवर उसके खेत को फिर खा रहे थे जब फसल तैयार थी। कितनी अच्छी फसल थी वह, और ये मनहूस जानवर उसे बर्बाद कर रहे थे। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वह उठा और कुछ कदम बढ़ाया, लेकिन अचानक हवा के एक बहुत बड़े तेज झोंके ने बिच्छू के डंकों की तरह उसे इस तरह चुभाया कि वह वापस लौट गया और बुझी हुई आग के बगल में बैठकर अपने शरीर को गर्म करने के लिए राख को कुरंदने लगा। जब वह सुबह में उठा, सूरज चढ़ चुका था और मुन्नी बोल रही थी, क्या तुम सोचते हो कि दिन भर सोते रहोगे? तुम बाहर यहाँ आए और अच्छा समय बिताया जब समूचे खेत को समतल किया जा रहा था। हल्कू उठ खड़ा हुआ और बोला, तो तुम खेत से तुरंत आई हो? हाँ, सब बर्बाद हो चुका है और तुम इस तरह सो सके? आखिर तुमने सोने के लिए आसरा खड़ा ही क्यों खड़ा किया? हल्कू ने एक बहाना खोजा, मैं तो मर ही गया था और किसी तरह मैंने रात बिता ली। और तुम अपनी फसल की चिंता करती हो? मेरे पेट में इतना दर्द था कि मैं बता नहीं सकता।
जब दोनों अपने खेत के तब दोनों अपने खेत के किनारे गए। उसने देखा समूचे खेत को रौंद दिया गया था और जबरा इस तरह आसरा के नीचे पड़ा था जैसे वह मरा पड़ा हो। वे बर्बाद हुए खेत को टकटकी लगाकर देखते रहे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी की छाया थी लेकिन हल्कू संतुष्ट था। मुन्नी बोली, अब तुम्हें बाहर कहीं काम करके कुछ कमाना पड़ेगा किराया और टैक्स चुकाने के लिए। संतोषजनक मुस्कुराहट के साथ हल्कू बोला, लेकिन मुझे नहीं सोना पड़ेगा ठंड में बाहर यहाँ रातों में। तो दोस्तों यहाँ पर लेसन समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लेसन समझ में आ गया होगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, यदि आपने नहीं किया है तो मुझे उम्मीद है आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको और भी बहुत सारे वीडियो देखने और सुनने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।